हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजी स्कूल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार प्रयोगशाला के ब्यूरेट स्टैंड को हम लोग फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो बेस होता है और इसका जो रॉड होता है उसको हम लोग इस नट के सहायता से इस प्रकार इसको टाइट कर लेते हैं। अब ये जो है स्टैंड जो है खड़ा हो गया और इसके बाद ये क्लैंप आता है। इस क्लैंप को हमको इस रॉड में लगाना है और फिर इसे टाइट कर लेना है और इस तरह ये क्लैंप जो होता है ये टाइट हो जाता है। इस क्लैंप के दूसरे ओर जो है हमें ब्यूरेट होल्डर को लगाना होता है। ब्यूरेट होल्डर को हम लोग इस क्लैंप में इस तरह करके जो है इसके नट को ढीला करके फिर उसके बाद उसमें फंसा कर और टाइट कर देते हैं। इस तरह हमारा स्टैंड बड़ी ही आसानी से तैयार। अब हम इसमें एक टेस्ट ट्यूब को लगाकर देखेंगे। सबसे पहले हम इस नट को ढीला करते हैं और उसके बाद उसमें टेस्ट ट्यूब फंसा कर उसे टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट कर दें तो उससे टेस्ट ट्यूब टूटने का डर रहता है। इस पेच को हम लोग ढीला करके इसके हाइट को अपने सुविधा अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह जो है हमारा ब्यूरेट स्टैंड तैयार हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। धन्यवाद।